ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्मिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति देने को लेकर निर्धारित समयावधि में निर्णय करने की पुख्ता व्यवस्था कायम की जाए। अभियोजन स्वीकृति में देरी से एसीबी के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ता है और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। सीएम गहलोत ने ब्यूरो को भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन देने के संकल्प में एसीबी की बड़ी भूमिका है। ब्यूरो अपने इंटेलिजेंस विंग को और अधिक चौकस बनाकर अधिक मजबूती के साथ काम करे। सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति की घोषणा अनिवार्य। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा सहित राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष की जाने वाली ऑनलाइन संपत्ति की घोषणा को सभी सरकारी कार्मिकों के लिए भी अनिवार्य की जाए। इससे सरकारी कामकाजों में पारदर्शिता आएगी तथा आय से अधिक संपत्ति के मामलों को उजागर करने में एसीबी को मदद भी मिलेगी। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी लगाने की व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाए। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर वीसी के माध्यम से हुई एसीबी के कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि विभागीय स्तर पर अभियोजन स्वीकृति में देरी होने पर मुख्य सतर्कता आयुक्त के पास प्रकरण भेजने की व्यवस्था को स्थानीय निकायों के कार्मिकों के लिए भी लागू किया जाए। कोविड 19 के चुनौतीपूर्ण समय में भी लगातार प्रभावी कार्रवाई करने के लिए ब्यूरो के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। एसीबी हेल्पलाइन 1064 का हो व्यापक प्रचार प्रसार। मुख्यमंत्री गहलोत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत के लिए एसीबी की हेल्पलाइन 1064 के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार पर जोर दिया। इसके लिए सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी कार्यालयों में इस हेल्पलाइन की जानकारी देने वाले पोस्टर चस्पा किए जाए, शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को उचित संरक्षण दिया जाए ताकि भविष्य में उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बैठक में बताया गया कि करीब 3 महीने में ही इस हेल्पलाइन पर आय से अधिक संपत्ति, पद के दुरुपयोग तथा रिश्वत मांगने की 1107 शिकायतें प्राप्त हुई। इसके आधार पर ब्यूरो को ट्रेप की 25 कार्रवाई करने में भी सफलता मिली है। एसीबी की समीक्षा बैठक में मौजूद मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि राज्य सरकार ने एसीबी को बेहतर कामकाज के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रखी है। आय से अधिक संपत्ति के मामलों की तफ्तीश में सहयोग के लिए चार्टर्ड अकाउंट के पैनल तथा विधिक सहयोग के लिए अति राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। ट्रैप के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर। एसीबी महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। इसी को आधार मानते हुए एसीबी ने पिछले करीब 2.5 साल में ट्रैप की 500 से अधिक कार्रवाई अंजाम दी। इस मामले में राजस्थान देश भर में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि ट्रैप के प्रकरणों में सजा का औसत 54% रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।